जरूर देखे। हम आपको बता रहे, खबर में बताए गए तरीके से ही आप पैसे कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताए गए कामों को करिए और योजना का लाभ उठाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपके पास जो करेंसी है उस करेंसी से आप मालामाल बन सकते हैं। मेरे पास है पूरे 5 रुपये का नोट, ये पुराने वाले 5 रुपये का नोट, और मैं कॉल करता हूँ, यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद मैं देखता हूँ इस हमारे नोट की कितने कीमत लगता है और मैं इस नोट को कैसे बेचूँगा। दोस्तों, शुरू से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपके पास भी ऐसे पुराने नोट्स हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कॉमेंट भी करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम कॉल करते हैं। हाँ हेलो सर, आप नोट खरीदने वाले बोल रहे हैं? हाँ, मैं नोट खरीदने वाला बोल रहा हूँ। सर, मेरे पास एक नोट है 5 रुपये का, आपका वीडियो देखे और वीडियो के अंदर में से नंबर मिला, तो मुझे ये 5 रुपये का नोट बेचना है सर, पुराने वाले नोट। आपके पास कौन से नोट है 5 रुपये का? 5 रुपये पुराने वाले नोट सर, ट्रैक्टर छपा हुआ है पीछे। ओ, ट्रैक्टर छपा हुआ है? जी सर। ठीक है, व्हाट्सएप में आप मुझे भेज दीजिए, यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप है। आपका इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें सर? हाँ जी सर, मैं व्हाट्सएप कर दे रहे हैं आपको सर। ओके ठीक है सर, व्हाट्सएप पे चला गया सर। देखिए सर, व्हाट्सएप पे हम भेज दिए सर। ओके जी जी सर। ये तो आप फ्रंट का भेजिए, बैक का भी भेजिए। हाँ, बैक और फ्रंट दोनों भेज दिए सर। ठीक है सर, देख लेता हूँ। जी सर। यस, मैं देख लिया हूँ ये नोट। जी सर। कंग्रेचुलेशन, ये आपकी और आपके पूरे परिवार के लिए ये बहुत खुशी की बात है। जी सर। ये वही नोट है। कौन सा नोट है सर? जो खरीदते हैं सर। कितने ये नोट की कीमत है सर? ये नोट के 5 लाख रुपए कीमत है। पाँच लाख रुपए कीमत है सर इस नोट के? यस बेटे। जी सर जी, हम बेचना चाहते हैं, तो इसे बेचने के लिए हमको क्या करना होगा सर, और कहाँ जाना पड़ेगा बेचने के लिए? आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको। सर क्या प्रोसेस है बताइए, हम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये नोट के मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे सर? आपको पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। सर ये पैसे मुझे कैसे मिलेंगे सर, कहाँ जाके मुझे लेना पड़ेगा सर? ये पैसे आपको अकाउंट में मिलेंगे। मेरे अकाउंट में मिलेंगे? Yes. तो सर बताइए क्या प्रोसेस है इसका, जल्दी से कर दीजिए और ये नोट को मेरा बिकवा दीजिए सर। देखिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, जो चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, कर दीजिए। okay. हाँ सर, आपका एक मैसेज आया हुआ है। ओके okay. इस पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। यस yes. और आधार नंबर। यस yes. इसका मतलब समझाइए सर। आपका अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट नंबर मुझे बताना पड़ेगा, अकाउंट नंबर बताना। आपको अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा ना, तो अपना अकाउंट नंबर बता दें। बताइए सर, मेरे अकाउंट नंबर आप लिख लीजिए। बोलिए। 7433। यस, 7433। 2941। 2941। हाँ, आपने लिखा सर, क्या लिखा? 7433-2941। 2672-2222। सर 13 सर 13 डिजिट के हो गए? नहीं, 12 हुए सर। 1433-2141। ओके ओके। हाँ, 4672। ओके ठीक है। ठीक है, लास्ट में 22 है सर।
अब क्या करना पड़ेगा सर, अब क्या देना पड़ेगा? अपना आधार नंबर। सर आधार नंबर किस लिए दूं सर? आधार नंबर वेरीफाई के लिए, ये जरूरी होती है। सर मेरा पेमेंट तो बैंक में आएगा ना? बैंक में तो पेमेंट आएगा, बट आधार नंबर बहुत जरूरी है। जी सर, तो आधार नंबर हमारा लिख लीजिए, आधार नंबर है 78744। ओके। कितना लिखा सर? 78744। जी सर, 2 9 2 9 3 3 2 4 6 1 2 4 2 4 2 4 6 1 6 1। ओके। जी सर, सर इस नोट को जल्दी बिकवा दीजिए सर मुझे। ये नोट आपको सेल करने के लिए कुछ प्रोसेस लगेंगे और कुछ फी भी जमा करना पड़ेगा आपको। सर हमारा नोट ये 5 रुपए वाला ट्रैक्टर छाप वाला बिक जाएगा ना? ओके बेटा, बिक जाएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, बिलीव करो ये बिक जाएगा 100%। तो सर जल्दी से हमारा बिकवा दीजिए फिर। क्या रजिस्ट्रेशन हमको पेमेंट करना होगा सर? आपको मैंने व्हाट्सएप पे किया हो ना? व्हाट्सएप में बात पूछ रहे हो? व्हाट्सएप में नहीं, आप एक बार बतला दीजिए। सबसे पहले आपको 5200 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा। 5200 रुपये पेमेंट करना होगा सर? हम ये कह रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है बेटे, आप बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका नोट सेल हो जाएंगे और आपके पूरे पेमेंट आपके अकाउंट में हो जाएंगे, पूरे 5 लाख रुपए। ओके जी सर। ओके ओके सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बड़ा मुश्किल से आपका नंबर मिला था सर, और बड़ा आस लगा के मैंने कॉल किया कि हमारा ये 5 रुपए का नोट आप खरीद लोगे, और अभी मैंने समय हाँ, और मैंने आपको पूरा आस और विश्वास लेके फ़ोन किया है, और मेरा विश्वास, मुझे पता है आप टूटने नहीं दोगे। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारा नोट को जल्दी बिकवाइए सर, और 5000 रुपये जो आपने बताया, 5200 रुपये, हमारा 5 लाख रुपये में से ही 5200 रुपये आप डिडक्ट कर लीजिए सर, काट लीजिए, और उसके बाद सारा पेमेंट हमारे अकाउंट में कर दीजिए। बेटा ऐसा कभी नहीं होता, अगर आपको नोट सेल करना है बेटा तो आपको फी जमा करना पड़ेगा, अन्यथा छोड़ दो, रहने दो, आपके जैसे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। तो सर आप नोट खरीदने के लिए बैठे हो कि नोट बेचने वाले के साथ स्कैम करने के लिए बैठे हो? नहीं, मैं तो नोट बेच रहा हूँ ना, सेल कर रहा हूँ, मैं तो सेलर हूँ ना। अच्छा आप सेलर हो? अरे भाई आप बायर हो कि सेलर हो, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं नोट खरीदूंगा और मैं नोट बेच रहा हूँ, तो बायर हम हुए या आप हुए ये बताइए? बायर तो आप हुए ना, हम नोट सेलर हैं। तो सर, आप किसके पास सेल कर रहे हो भाई? तो आपके पास मैं सेल कर रहा हूँ, आपने बताया ना कि 5200 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेंगे और 5 लाख रुपये हमारे इस नोट को लगेंगे। तो आपको 5 लाख रुपए देगा कौन बेटे? तो आपने बताया ना कि 5 लाख रुपए दोगे। तो 5 लाख रुपए आपको देगा कौन? 5 लाख रुपए तो मैंने ही आपको दूंगा ना। हाँ आप देंगे तो 5 लाख रुपए आप देंगे, तो उसके बदले में 5200 रुपए पहले ले लेंगे। हाँ यस, 5200 रुपए पहले आपको फी जमा करना पड़ेगा। अच्छा तो चूतिया बना के बैठे हो क्या यहाँ पे? हम लोग यहाँ बैठे जो है वो चूतिया बनाने के लिए आप लोग के कॉल में फंसते रहे। ठीक है, देखो नेक्स्ट कॉल। आपके जैसा लोग चाहिए नहीं मुझे। अच्छा चाहिए नहीं, मतलब बड़े आसानी से यदि पेमेंट हम कर देते हैं तो बड़े आसानी से आप पेमेंट ले लेते हैं, यही है ना? हेलो। अरे बेटे हाँ, मेरे जैसे बहुत आए बहुत गए। अच्छा अच्छा बहुत आए, आपके जैसे जो है ना बहुत मैंने देखे हैं, इतने फ्रॉड करने वाले है ना, बहुत लोग इस तरह करके फ्रॉड करते हैं, अब कोई नहीं फंसने वाला है आप लोग के जाल में, ठीक है? ओए ओके ओके। अच्छा तो दोस्तों देखा आपने किस तरह मासूम लोग को फंसाया जाता है, ये पुराने नोट
और क्वाइंस बेचने के चक्कर में आप लोग को उलझाया जाता है, फंसाया जाता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस लिया जाता है। मैंने जब फ़ोन स्टार्टिंग में उठाया, मैंने न्यूज देखा, न्यूज के ऊपर वीडियो पे नंबर देखा, तो मुझे लगा कि हमारा क्वाइन सिक्के जो हमारे नोट हैं आज बिक जाएंगे, काफ़ी अच्छा लगा। लोग आप लोग भी फ़ोन जब ऐसे करते हैं तो आप लोग को भी पूरा बिलीव होता है कि हमारा नोट बिक जाएगा, क्वाइंस बिक जाएंगे, लेकिन आपके साथ स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आप लोग को बताऊंगा असली सेलर और बायर कैसे निकालते हैं और असली सही तरीका से नोट और सिक्के बेचने का क्या नियम है। बिल्कुल इस टाइप से आप नोट और सिक्के के आपके पास फ़ोन करें, कोई भी फ़ोन आपको करें या फिर आप कहीं से नेट से निकाल के फ़ोन करते हैं, तो ऐसे में आप फंस जाओगे। बिल्कुल भी फ़ोन मत कीजिएगा, अपना क्वाइंस नोट मत बेचिएगा। अब दोस्तों बताना चाहेंगे, इस चैनल में आपको होने वाली धोखाधड़ी फ्रॉड से बचाया जाता है, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इस वीडियो की मदद से आप लोग को समझाया कि पुराने नोट को आप मत बेचिएगा कुछ फ़ोन कॉलिंग के द्वारा, और कोई भी आगे पर्सन आपको पैसा मांगे तो बिल्कुल उस पर विश्वास मत कीजिएगा, ऐसे में आपके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी फ्रॉड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।